हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, झारखंड राज्य से रिलेटेड जीके क्वेश्चन के वीडियो की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 वीडियोज अपलोडेड हैं, जिनको आप देख लेंगे तो आपके झारखंड राज्य से संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवेन एंड द करेक्ट आंसर इज 29.61%। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? देखिए, पर्णपाती को हम लोग पतझड़ भी कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, साल, शीशम, महुआ या सागौन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, साल को सखुआ के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लाख होगा यहाँ पे, ला नहीं, लाख उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाख उत्पादन में झारखंड नंबर 1 पर आता है, फर्स्ट रैंक आती है, और ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद कर लेना, फर्स्ट रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, दालमा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? और ये स्थित है कहाँ पर? पूर्व सिंहभूम में। देखिए, ये किसके लिए फेमस है? ये हाथियों के लिए फेमस है। ठीक है, एलिफेंट के लिए दालमा अभ्यारण्य फेमस है, जो कि कहाँ पर है? झारखंड के पूर्व सिंहभूम में। दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, महुआ अंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पलामू, कोडरमा, चतरा या लातेहार। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लातेहार। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, 50 के 50 क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न है, रवि फसल में किस का सर्वप्रथम स्थान है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, बात की जाए झारखंड में, तो यहाँ पर धान के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा धान होता कहाँ है? सबसे ज़्यादा धान होता है सिंहभूम में। ठीक है, और बात करें गेहूं की, तो सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है पलामू में। इतनी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, कुआं, तालाब, नहर या नलकूप। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुआं। ठीक है, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो दामोदर घाटी परियोजना यह हुई थी आरंभ 1948 में। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1982-83 में। ठीक है, 1982-83 में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पतरातू ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ में। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हजारीबाग, रांची, गुमला या पलामू। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग।
ठीक है, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा 40%। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है झारखंड खनिज उत्पादन की बात की जाए तो, 40% जो है झारखंड में ही उत्पादित होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है, लगभग 33% आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। भारत में कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? यह होता है 1/3। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जादूगोड़ा की जो यूरेनियम की खदान है झारखंड के किस जिले में स्थित है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, तुराम डी में किस खनिज का खनन होता है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड के किस जिले में लहा का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज पश्चिमी सिंहभूम। टिस्को में इस्पात का उत्पादन कब आरंभ हुआ था? टिस्को में इस्पात का उत्पादन कब आरंभ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह हुआ था कब, 1914 में, ठीक है, 1914 में टिस्को से इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज यूरेनियम, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, 18 के बाद 20th क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये स्थित है कहाँ पे, नामकुम में, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ पर है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, करकाली, दुग्धा, भुजोड़ी या पत्थरडी, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा करकाली, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये कौन सा है, NH 33, इसकी डिस्टेंस कितनी है, लंबाई कितनी है, तो इतनी है 333.5 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ से है ये, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, बरही से कहाँ तक आपको बताना है, ठीक है, बरही स्टार्टिंग, उसके बाद कहाँ पर होगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 33 है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 333, ठीक है, 33 का ही यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ये तो ट्रिक है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये जो है कहाँ से कहाँ तक होती है, मैंने आपको बता दिया वरही से, ये कहाँ से कहाँ पर होगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग या रामगढ़, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में, ठीक है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर है, रांची में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। झारखंड में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26.33%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? देखिए कितना है, 26.33%, ठीक है, बट सबसे कम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की बात हो रही है वाला जिला कौन सा, यह है कोडरमा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों में किस प्रजातीय समूह की अधिकता है? और यह है कि चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है,
ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, मुंडा, बिरजिया, खड़िया या हो, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मुंडा जनजाति केवल झारखंड में ही है और कहीं नहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल क्या है? घोटुल क्या है? तो ये है संथाल जनजाति का युवा ग्रह। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूम कुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घूम कुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उराव, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड की एक जनजाति जो अपने आप को च्यवन ऋषि का वंशज मानती है वो कौन है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चेरो, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है? झारखंड में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है आपको बताना है। तो भील जनजाति ये झारखंड में नहीं पाई जाती है, संथाल, मुंडा, हो ये जनजाति जो है झारखंड में पाई जाती है, और मुंडा ऐसी जनजाति जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है, और भील यहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज खेती, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। झारखंड का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सरना, हिंदू, इस्लाम या ईसाई, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सरना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, जर्मनी के ईसाई मिशनरी, जिनको हम लोग धर्म प्रचारक भी कहते हैं मिशनरी को, किस वर्ष रांची पहुंचे थे? आपके सामने चार ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1845 में, 1845 में जर्मनी के ईसाई मिशनरी जो है रांची पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, हिंदी, संथाली, बंगला या मुंडारी, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है, संथाली, बंगला, ए और बी दोनों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाली भी है, बंगला भी है। पहली कौन सी है? हिंदी, उसके बाद है संथाली एंड बंगला, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 82, ठीक है। बात की जाए निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है, कुल सदस्यों की संख्या 82 है, और जिसमें से जनरल की सीट कितनी है? 44, एसटी की कितनी है? 28, और एससी की कितनी है? 9। ये आपको याद कर लेना, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपसे फिर बताती हूँ, कुल सदस्यों की संख्या 82 है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है, जिसमें जनरल 44, एसटी 28, एससी 9। अगला प्रश्न आपके सामने, झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक, ठीक है। झारखंड विधानसभा के लिए एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? जैसा कि मैंने आपको बताया, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है, कुल सदस्यों की संख्या 82 है, जनरल के लिए कितनी है? 44, ठीक है। एसटी के लिए है कितनी? 28, और एससी के लिए कितनी है? 9। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 28, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, गवर्नर की बात हो रही है, तो ये नियुक्ति की जाती है
राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर बात आती है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज होती है, रिक्वायर होती है 35। अगर 35 का उल्टा कर दिया जाए तो ये होता है आपका 53, और उससे पहले आता है 52। तो आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 और 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया। ये हमेशा आपको मैं बताती हूँ, एक ट्रिक की तरह आप इसको याद कर लिया करिए। और राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन कराता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के दो सत्रों के बीच कितने महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ये कौन थे? ये थे इंद्र सिंह नामधारी। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश या वकील। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, मैंने अभी आपको राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज बताई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो उसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। 46th क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं DGP। ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, DGP होते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी 1979। ठीक है, 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर। और ये हो जाएगा प्रखंड स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 332। बात की जा रही है यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए बात की जा रही है, तो ये आर्टिकल हो जाएगा 332। अगर बात की जाए अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, तो ये होगा आर्टिकल 330। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 332, अनुसूचित जनजाति के लिए 330, आर्टिकल में ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड राज्य के चिन्ह लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5 या 6। जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट का जो क्वेश्चन का आंसर, आपको उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रही हूँ, जिसमें से 3 और 6 में एलिमिनेट कर दे रही हूँ, ये आंसर नहीं होगा। या तो इसका आंसर बी होगा या तो इसका आंसर सी होगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि झारखंड राज्य के चिन्ह लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया फैक्ट के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, वीडियो को आपको शेयर करना है, बहुत ही ज़्यादा लाइक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।